आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले, आज से संसद का विशेष सत्र जिसका आगाज हो रहा है, 5 दिवसीय विशेष सत्र होगा, लेकिन आज की कार्रवाई पुरानी संसद में होनी है। कल से नई संसद में कार्रवाई चलेगी। सत्र में संसद के 75 साल के सफर पर सबसे पहले चर्चा। ये कुछ मुख्य पॉइंट्स जो कि साझा किए गए हैं, क्या कुछ कार्रवाई के दौरान होना है ये जरूर स्पष्ट किया गया है। नई संसद को लेकर जो उत्साह देशवासियों में भी हमने देखा, राजनेताओं की तरफ से भी जो बयान सामने आए उसे लेकर भी आज के दिन का स्पष्टीकरण। आज की कार्रवाई पुरानी संसद में ही होगी, कल से नई संसद में कार्रवाई चलेगी। मुख्य फोकस इस बार सत्र में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा होगी। बीते सालों में कितनी प्रगति की बातें या कितने डेवलपमेंटल के जितने भी कार्य रहे उनको लेकर इस संसद में किस तरह की चर्चा हो पाई, क्या कुछ हुआ है इसे लेकर कहीं ना कहीं विस्तार से बातचीत हो पाई। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ संसद में आज के दिन होना है। पहले जैसे ही जानकारी लगी नई संसद को लेकर, यह माना गया कि जो विशेष सत्र है वो नई संसद में शुरू होगा, लेकिन आज को लेकर मुख्य तौर पर यह कार्रवाई चुकी। 75 साल के इतिहास को एक बार फिर से पटल पर रखा जाएगा, बातचीत उस पर होगी। तो 75 साल के सफर को पुरानी संसद में ही चर्चा का मुद्दा बनाया जाएगा और उसके बाद नई संसद से नए सत्र का आगाज एक नए अंदाज में होना है। तो आज संसद का विशेष सत्र, पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत लंबे समय से इसे लेकर डिस्कशन चलता आया, पक्ष विपक्ष दोनों की ही आपने प्रतिक्रियाएं भी देखी हैं, लेकिन आज वो दिन आ चुका है जब आगाज इस विशेष सत्र का होना है। और अगली बड़ी खबर बालाघाट से आपको बताएं, पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर जानकारी यहां पर लगी है। मलकुआ और राशिमेटा के जंगल में मुठभेड़ हुई है। हॉकफोर्स की टीम पर फायरिंग की जानकारी, 10 से 12 नक्सलियों ने हमला किया है। सर्चिंग पर निकली टीम पर फायरिंग भी हुई है, फायरिंग कर नक्सली वहां से भाग निकले। बालाघाट से एक बार फिर से जानकारी, मध्य प्रदेश के बालाघाट की हम बात करें, बहुत जरूरी आपके लिए समझना कि नक्सल मूवमेंट अभी भी इस इलाके में बना हुआ है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर जानकारी, मलकुआ और राशिमेटा के जंगल में मुठभेड़ हुई है। हॉकफोर्स की टीम यहां पर मौजूद थी, उनकी तरफ से भी फायरिंग और साथ ही साथ जवाबी फायरिंग में नक्सलियों ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। 10 से 12 नक्सली एक साथ पहुंचे थे, हमला किया है, अभी तक यही जानकारी है। साथ ही साथ जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है वहां पर भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि सर्चिंग टीम पर ही फायरिंग यहां पर हुई थी। फायरिंग कर यहां से नक्सली भाग निकले हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं भी कि अभी भी कुछ नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है। तस्वीर के जरिए हम आपको सामग्री भी दिखा रहे हैं जो कि यहां से इसी स्थल से बरामद की गई है। नक्सलियों पर लगातार पैनी नजर रख रहे हैं सुरक्षा बल, लेकिन इस बीच बहुत महत्वपूर्ण ये इस तरह की कार्रवाइयां लगातार होती रहे। नक्सली की तरफ से पहले अटैक होना यह जरूर स्पष्ट करता है कि बौखलाहट जरूर है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जवान भी पीछे नहीं हट रहे। हॉकफोर्स की टीम पर फायरिंग हुई थी, नक्सली 10 से 12 की संख्या में आए थे। सहयोगी श्रीनिवास से हम ज्यादा स्थिति समझेंगे। श्रीनिवास, अभी तक क्या बताया गया इस मुठभेड़ को लेकर? अवंतिका, आपको बता दूं कि जिस हिसाब से घटना हुई है, लगातार नक्सली किसी न किसी मामले को लेकर उपस्थिति अपना दर्ज करा रही बालाघाट जिले में। और ताजा जो ये मामला है, ये देवरबली पुलिस चौकी के मलकुआ और राशिमेटा के जंगल का मामला है, जहाँ पे जब सर्चिंग टीम रवाना हुई थी तो वहां पे देखी कि जैसे जंगल में घुसी तो 10-12 की संख्या में नक्सली हथियारबंद नक्सली थे, तो उन्होंने पुलिस बल को देखते ही फायरिंग करने लगी थी। इधर से भी हॉक फोर्स के जवानों ने 10-12 राउंड फायरिंग किया और वहां पे दैनिक उपयोग की सामग्री मिली। हालांकि इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन जिस हिसाब से ये घटनाएं हुई ऐसे में लग रहा था कहीं ना कहीं वरी वारदात को अंजाम देने के फिराक में नक्सली थे वहां पे, लेकिन पुलिस की मजबूत होते देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन इस बात तो सत्यता जाहिर करे कि नक्सली कहीं ना कहीं बालाघाट जिले में उपस्थित हैं और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और चौकसी कारण ही हो नहीं पा रहा। लेकिन अभी देखेंगे लगातार बालाघाट जिले में नक्सली बैनर पोस्टर इसके माध्यम से अपने आप को कहीं ना कहीं शासन के जो नीतियां हैं उसका विरोध करते आई है। अब लगातार लाजी क्षेत्र में सक्रियता नजर आ रही है,
लेकिन पुलिस बल के जो लगातार सर्चिंग एरिया डोमिनेशन चल रहा है बालाघाट का हम जिक्र कर रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है श्रीनिवास कि मध्य प्रदेश के बालाघाट को अक्सर राजनीतिक स्तर पर बताया जाता है कि पूरी तरह से सुरक्षित है, नक्सल मूवमेंट बहुत कम हो चुका है, लेकिन अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं नक्सलियों की तरफ से अगर फायरिंग होती है तो ये निष्पक्ष तौर पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सक्रियता अभी भी बढ़ती जा रही है। श्रीनिवास, इससे रोकथाम के लिए, इसके रोक के लिए क्या कुछ कदम सुरक्षा बलों की तरफ से? देखिए, हमारी एसपी समीर सौरव से चर्चा इस मामले में हुई है कि लगातार जो इनपुट होती है, पुलिस को इनपुट लगातार मिल रहा है कि नक्सलियों को जैसे घुसपैठ करके जैसे छत्तीसगढ़ या भारत की सीमा से घुसपैठ कर बालाघाट पहुंचने की रहती है, उसको लेके ये एरिया डोमिनेशन और सीमा को सील, अलग अलग सील किया जा रहा है कि वो घुस ना पाए, कोई बड़ी वारदात को अंजाम ना दे पाए, क्योंकि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बालाघाट की तीन संयुक्त टीम बनाई गई है, संयुक्त टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है, एरिया डोमिनेशन हो रहा है कि बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से बालाघाट का यदि सीमा की बात करें तो 250 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया को कवर करना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बड़ी वारदात को अंजाम वो नहीं दे पा रहे, अपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है पुलिस कुछ ना कुछ अपनी करके, लेकिन क्या इसको ओपनली वो कर नहीं पा रही, लेकिन बड़ी वारदात को अंजाम देने से अभी भी नक्सलियों को कहीं ना कहीं खौफ है, क्योंकि करना तो चाह रहे हैं लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ज्यादा तेज है, जिस कारण से ये कर नहीं पा रही। निश्चित ही, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास फिलहाल स्थिति समझाने के लिए। तो बालाघाट की स्थिति आप समझ रहे हैं किस तरह से नक्सल ऑपरेशन लगातार, यहाँ पर एंटी नक्सल ऑपरेशन भी चल रहा है लेकिन नक्सल ऑपरेशन में भी अभी भी गिरावट नहीं आई, ये एक चिंता का विषय है। अगली बड़ी खबर हम ग्वालियर की ओर आपको लिए चलते हैं, जहाँ पैर पसारता हुआ डेंगू अभी भी बेरोक टोक, इसी तरह से लोग परेशान होते हुए, ग्वालियर में डेंगू से पहली मौत की जानकारी भी सामने आ रही है, 8 साल की बच्ची के इलाज के दौरान मौत हो गई है, दिल्ली में मौत हुई है। जिले में अब तक डेंगू के 16 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 179 पर पहुंच गया है। जयरोग और जिला अस्पताल, दोनों ही अस्पतालों में अगर हम देखें 110 सैंपल्स की जांच हुई और उसके बाद यही जानकारी कि डेंगू अभी भी पैर पसारता जा रहा है। अलग अलग स्थानीय इलाके जहां पर लोगों से लगातार जागरूकता की अपील की जा रही है, अपील की जा रही है कि अगर कहीं भी आप पानी जमा होने देते हैं तो डेंगू का मच्छर पनपेगा। नगर निगम की टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है लेकिन उस कार्रवाई का असर नहीं दिख रहा। और ग्वालियर की ये हालात आप समझ रहे हैं, ग्वालियर की स्थिति भी हम जान रहे हैं किस तरह से नगर निगम की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, और विस्तार से हम स्थिति समझ लेते हैं क्या कुछ कार्रवाई जमीनी स्तर पर हो रही है और रोकथाम क्यों नहीं हो रही है, ये एक प्रमुख प्रश्न हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। आप सुशील, जरा समझाइएगा विस्तार से ग्वालियर को लेकर अभी तक क्या जानकारी है, क्यों अभी तक रोकथाम नहीं हो पाई? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में डेंगू से पहली मौत हुई है इस सीज़न में, 8 साल की बच्ची भावेशा जो गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराई गई थी, कल रात उसकी निधन हो गया है, और इस मौत के बाद ही ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू से पहली मौत हुई है। कल की अगर बात करें तो कल अकेले 101 सैंपल की जाँच हुई थी जयरोग अस्पताल और जिला अस्पताल मुरार में, इनमें से 15 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही डेंगू मरीजों का आंकड़ा अकेले ग्वालियर में 180 के करीब पहुंच चुका है। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें तो डेंगू लगातार बेकाबू होता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यही है कि जो हालात बने हैं जल जमाव, और अभी कुछ दिनों जब बारिश जो हुई उसके अलावा जो मौसम गर्म था उसके चलते जो हालात बने हैं उसी की वजह से डेंगू लगातार बढ़ा है, और अब नगर निगम और स्थानीय जो प्रशासन है उसकी कवायद यही है कि जो डेंगू प्रभावित इलाके हैं वहाँ फोगिंग कराई जाए, साथ ही सैंपलिंग कराई जाए लोगों की, और जो लोग परेशान हैं उनको तत्काल अस्पताल से इलाज मुहैया कराया जाए। इसके अलावा जो जल भराव के इलाके हैं वहाँ भी जल निकासी के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, साफ़ सफाई की जा रही है, नगर निगम और स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर कवायद कर रहे हैं लेकिन लोगों को भी जागरूक रहने की सलाह दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब जब बारिश का दौर थमेगा और उसके बाद जब ठंडक बढ़ेगी तभी डेंगू का ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा कम होगा, इस तरह का स्वास्थ्य विभाग के लोगों का कहना है, क्योंकि इस साल डेंगू लोगों को परेशान कर रहा है और आने वाले समय में भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार लोगों को जागरूक रहने की सलाह भी दे रही है, साथ ही परेशानियाँ होने पर सैंपलिंग कराने और व्यवस्थित इलाज लेने की नसीहतें भी लोगों को दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो डेंगू है लगातार वो उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक प्रमुख प्रश्न है सुशील। हमने बीते दिनों कार्रवाई का दौर भी देखा विनयनगर जैसे इलाके जहां पर जुर्माना भी लगाया गया लेकिन इसके बावजूद लोगों के बीच में जागरूकता नहीं फैल रही है,
क्या कुछ और सख्त नियम की जरूरत? बिल्कुल, देखिए प्रशासन स्वास्थ्य विभाग तो अपने स्तर से जो कम काम कर सकते हैं या इलाज कर सकते हैं या जागरूकता का अभियान चला सकते हैं वो चला ही रहे हैं। अब इस दौर में जब डेंगू लगातार पैर पसार रहा है तो लोगों को खुद भी जो है इसमें जागरूक रहने की और डेंगू से बचाए के उपाय करने की ज़रूरत है। जैसे कि लोग अपने घरों में बर्तनों में कूलर में या अन्य जो चीज़ें हैं उनमें डेंगू का लार्वा पनपने ना दें। अपने घर के आसपास अगर गंदगी है तो उसकी साफ़ सफाई करें, जल भराव वाले इलाके ना बनने दें। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के बाद अब ज़्यादा जिम्मेदारी खुद लोगों की है कि वो डेंगू से बचाव के लिए चाहे अपने स्तर पर अपने इलाकों में फोगिंग करा ले, अपने घरों में लार्वा जमा ना होने दे, और अगर नगर निगम की टीमें कहीं नहीं पहुंच रही है तो वो निश्चित प्रशासन से इसकी शिकायत करे। तो लोग भी अगर जागरूक होंगे तो ये जो डेंगू का दायरा बढ़ रहा है इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी या ये सिलसिला थोड़ा रुकेगा, जिससे कि लोगों को ज्यादा प्रभाव इस डेंगू का देखने के लिए जिन पर सख्ती की और ज्यादा जरूरत। सुशील, हम समझते हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसी के चलते बहुत जरूरी है कि लोग अब सावधानी बरतना शुरू कर दें। अगली खबर की ओर हम बढ़ेंगे। जबलपुर से अगली बड़ी जानकारी, आदिवासी महिला से गैंगरेप की खबर है। दुष्कर्म के बाद महिला को धमकी भी दी गई, किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी महिला को मिली है। पीड़िता ने थाने में FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खमरिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। जबलपुर से खबर एक बार फिर से, महिला अपराधों को लेकर एक और गंभीर घटना। आदिवासी महिला से गैंगरेप, महिला कौन से समुदाय से थी ये शायद इतना मायने ना रखे, लेकिन महिला से गैंगरेप की एक और वारदात जिसमें महिला को ही धमकाने की कोशिश की जाती है। दुष्कर्म के बाद महिला को धमकी दी गई, किसी को बताने पर जान से मना कर रहा था आरोपी। सहयोगी पवन से हम स्थिति समझेंगे। पवन, महिला की तरफ से शिकायत की गई, क्या अभी तक कोई कार्रवाई? मामले को जो है पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया और शिकायत होने के बाद तत्काल जिनके खिलाफ शिकायत हुई थी, जो आरोपी थे गैंगरेप के, उनकी तलाश की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस घटना से एक बार फिर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और अपराधियों में कानून का खौफ, ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर में इस तरह की वारदातें रुक क्यों नहीं रही। महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं में लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? लोगों में खौफ नहीं है कानून का? कहीं ना कहीं कई बार ऐसे आरोपी बच भी जाते हैं और यही वजह है कि एक दहशत का माहौल रहता है आम जनता में और अपराधी बेखौफ होकर घूमते हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है और मामले की जांच की जा रही है। गंभीरता से पुलिस का कहना यह है कि अगर उनके कोई पुराने अपराध हैं तो उसमें भी इन्हें शामिल करके और उस कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। चलिए, बहुत जरूरी पवन के इस मामले में कार्रवाई जल्द से जल्द हो। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से अगली बड़ी खबर आपको बताएं। गैराज में देर रात आग लगी, भीषण घटना। छोटी ग्वाल टोली के पास की गैराज की है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है। आपको बताएं कि इंदौर का ये पूरा मामला, अचानक से देर रात आग लगने की सूचना, गैराज में आग लगी, कुछ ऐसे ज्वलनशील पदार्थ भी यहां पर, जिनके चलते आग पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तस्वीरें आप देखें, भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। छोटी ग्वाल टोली के पास एक गैराज स्थित है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही मौके पर सूचना मिली, अफरा तफरी मच गई और फायर ब्रिगेड की टीम को फौरन बुलाया गया। लेकिन चूंकि देर रात की घटना, बहुत जरूरी था कि टीम सबसे पहले आकर काबू पा सके। रहवासी क्षेत्र आप ये देख रहे हैं और अगर आग फैलती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और आप राजधानी भोपाल की ओर आपको लिए चलते हैं। चलती कार से स्टंट करना यहां पर महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया व्यक्ति को। युवक का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद यह कार्रवाई। सराकिया ब्रिज पर रात में स्टंट किया जा रहा था। वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने संज्ञान लिया, आरोपी की पहचान हुई। ये देखिए तस्वीरें, बिल्कुल बेखौफ होते हुए राजधानी भोपाल की तस्वीरें। अक्सर आपने इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। पुलिस ने दबोचा है दो लोगों को, कार को भी जब्त कर लिया है। हिरासत में तीन और युवक लिए गए हैं। 12 सितंबर की रात की यह घटना। बेखौफ लोग कार से खुलेआम स्टंट करते नजर आते हैं। अक्सर VIP रोड की आपने ये तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन एक बार फिर से सबक ना लेते हुए कुछ और युवकों ने स्टंट किया। लेकिन राहत भरी बात यही कि पुलिस का संज्ञान जरूर हुआ है, उनकी तरफ से जरूर कार्रवाई। तीनों युवक अब हिरासत में।
तो लगातार इस तरह के मामले भोपाल से सामने आ रहे हैं। बहुत जरूरी कि पुलिस की तरफ से सक्रियता भी बढ़े और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई भी हो, क्योंकि राजधानी भोपाल में इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगली खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं, महादेव ऐप से जुड़ी हुई अगली बड़ी जानकारी। ऑपरेट करने वाले छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर की शादी का एक वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से खलबली मची हुई है। सौरभ चंद्राकर की शादी की रस्में निभाई जा रही थी। वायरल हो रहे वीडियो में कई मशहूर हस्तियां, कुछ और सेलिब्रिटीज आपको नजर आएंगे, पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि शादी का ये वीडियो दुबई में शूट किया गया, शानदार पार्टी हुई, कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। आपको बताया कि महादेव बैटिंग ऐप के मामले में ईडी की जांच भी चल रही है और मुख्य व्यक्ति धूमधाम से शादी करते हैं, वीडियो वायरल होता है, तमाम हस्तियां शामिल होती हैं, दुबई की ये तस्वीरें। हालांकि अब मामला संज्ञान में आया तो कि हो सकता है कि कार्रवाई भी इस मामले में की जाए, लोकेशन चूंकि ट्रेस हो चुकी है। और आप अगर भारत में देखें तो ईडी के खिलाफ लगातार पूरे देश में एक बड़ा अभियान ईडी की तरफ से महादेव ऐप के खिलाफ चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, कई सारी कार्रवाइयों का दौर भी आपने देखा, लेकिन कुछ नामचीन हस्तियां भी आपको इस वीडियो में नजर आएंगी। और अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बताएं, राजधानी भोपाल में मेट्रो कोच पहुंच चुकी है। भोपाल वासियों के लिए अच्छी खबर है, गुजरात में मेट्रो कोच तैयार हुई है और भोपाल बाईपास पर फिलहाल मेट्रो कोचेस को रखा गया है। इससे पहले एक कोच का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया, उस दौरान भी तस्वीरें आपने देखी और उस कोच का अवलोकन भी लगातार किया जा रहा था। और अब मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी। भारी बारिश की आशंका पूरे ही मध्य प्रदेश में बनी हुई है। अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, तमाम वो इलाके जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश के आसार नजर आते हुए। मध्य प्रदेश में कई जिलों में मौसम सुहावना भी रहेगा, कई ऐसी जगह भी जहां पर मौसम साफ रहने की संभावना है। उज्जैन संभाग की अगर आप बात करते हैं तो इस तरह के जिले में जलभराव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में किसी तरह की राहत की कोई उम्मीद नहीं, भारी बारिश की संभावना आने वाले समय के लिए। तो कुछ इलाके ऐसे भी उज्जैन के जहां पर रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, कुछ ऐसे जिले भी जहां पर जलभराव के चलते लोग काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी मॉनसून पर ब्रेक लगने के कोई आसार नहीं। आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है, आपको अपने स्तर पर भी सावधान रहने की जरूरत, और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मोर्चा संभालते हुए निगम की टीमें भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो भारी बारिश के चलते नदी नाले लबालब होने के बाद कई डैम्स के गेट खोल दिए गए हैं। मंदसौर की अगर बात करें तो भारी बारिश होने के चलते शिवना भी उफान पर आ चुकी है, लेकिन अब हालात कुछ सुधरे भी हैं। आपको दिखा देते हैं कि पशुपतिनाथ महादेव मंदिर का वो नजारा भी, जब शिवना नदी महादेव के पैर पखारने के लिए मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गई थी। देखिए, देश के तमाम हिस्सों से भारी बारिश की खबर लगातार सामने आ रही है। हालांकि कहीं कहीं हालात अब कुछ हद तक ठीक हो रहे हैं। आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, वहीं मंदसौर में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश होने के चलते यहां बहने वाली शिवना नदी पूरे वेग से बह रही है और हालात ये बन गए कि नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ का ये पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया, जिसके चलते अष्टमुखी प्रतिमा के चार मुख पानी में डूब गए। दरअसल एक पखवाड़े पहले तक बारिश न होने के चलते चिंता की लकीरें हर किसी के माथे पर नजर आ रही थी। किसान की फसल के नुकसान होने के हालात तक बन चुके थे, जिसके बाद टोटकों से लेकर ग्रामीणों ने तरह तरह के जतन किए ताकि अच्छी बारिश हो सके, और बारिश आई तो ऐसी आई कि अब हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसी बारिश के कारण मंदसौर की शिवना नदी उफान पर थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब मंदिर के गर्भगृह तक शिवना नदी प्रवेश कर जाती है तो ये समृद्धि का प्रतीक है। लोग इसे शुभ मानने के साथ कहते हैं कि शिवना मैया खुद महादेव के चरण पखारने पहुँचती है।
सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाढ़ का पानी कैसे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा और प्रतिमा के चारों मुख जलमग्न हो गए। इसी के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद करते हुए मंदिर के द्वार पर ताला लगा दिया गया था। अब ये तस्वीरें देखिए, जब शिवना में आई बाढ़ का पानी मंदिर से उतर गया तो फिर से मंदिर के कपाट खोले गए, पूरे मंदिर परिसर को धोया गया और सफाई की गई। गर्भगृह में भी बाढ़ का पानी उतरने के बाद मिट्टी और कीचड़ जमा हो गया था, जिसे साफ करने में सभी लोग जुटे नजर आए। मंदिर में अब आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोलने की व्यवस्था में प्रबंधन जुटा हुआ है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के कारण शिवना नदी में उफान आया और उफान के कारण शिवना नदी की बाढ़ का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया था और भगवान पशुपतिनाथ के चार मुख डूब चुके थे और अब दर्शन खोल दिए गए हैं। भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में सफाई की जा रही है, प्रेशर से पानी से गर्भगृह को धोया जा रहा है। शिवना नदी की बाढ़ का पानी घुसने के कारण यहां पर काफी कीचड़ हो गया था। आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन अब खोल दिए जाएंगे और अभी मंदिर का गर्भगृह खोला गया है। मंदिर के पुजारी जी और कर्मचारी और स्वयंसेवी संगठन के यहाँ पर लोग आए हैं और मंदिर के गर्भगृह की सफाई की जा रही है। पूरी तरह से आप देखिए कि सब यहाँ पर लगे हुए हैं। गर्भगृह में पूरी तरह से दर्शन से फिर से चालू हो जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। पशुपतिनाथ का जल और दुग्ध से अभिषेक किया जा रहा है, उसके बाद दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और फिलहाल बारिश रुकी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि अब दोबारा से शिवना नदी में वेग अगर नहीं आया तो दर्शन खुले रहेंगे आम श्रद्धालुओं के लिए, ताकि लोग जो इंतजार कर रहे हैं अपने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन का, वो अपने प्रिय भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पाए। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18, मंदसौर। तो कुछ और समय के लिए भी बारिश जारी रहने वाली, हो सकता है मंदसौर में कुछ और ऐसे ही नजारे आपको देखने को मिले। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज 18 के साथ।